गया के कोंच थाना के सिंधुआरी गांव में पुराने रंजिश में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग हुई। इस दौरान एक पक्ष के चार लोगों को गोली लग गई, जिसमें दो लोगों की मौके पर मौत हो गई। इस मामले को लेकर जेडीयू नेता राकेश यादव समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राकेश यादव युवा जेडीयू का गया जिले का महासचिव है। खबरों के मुताबिक पिछले साल 17 जून को एक यज्ञ के बाद प्रसाद बांटने को लेकर राम शर्मा और जेडीयू नेता राकेश यादव के बीच विवाद हो गया था। इस दौरान भी मारपीट हुई थी, जिसमें 6 लोग घायल हो गए थे। फिर मामला शांत हो गया था, लेकिन बुधवार को अचानक सिंधुआरी गांव से कोंच बाजार खरीदारी करने गए राकेश यादव के भतीजे के साथ राम शर्मा के लोगों ने मारपीट की, जिसके बाद राकेश यादव, विमलेश यादव और राम बालक यादव हथियार के साथ सिंधुआरी गांव आए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 4 लोगों को गोली लग गई। आपको बता दें कि पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच करते हुए घायल पक्षों से पूछताछ शुरू कर दी है। न्यूज डेस्क।